पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर अब राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अनुरोध किया है। दरअसल गंभीर अब क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहते हैं। गौतम गंभीर 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि वो मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें, ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बता दें कि गौतम गंभीर फिलहाल पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2019 में बंपर जीत हासिल की थी। तब गंभीर ने कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली को 391,222 वोटों से हराया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।